अगर फ्रेंड्स आपको भी ऐसी सब्जी खानी है तो चलिए हम हेल्दी और विटामिन्स प्रोटीन से भरपूर मात्रा की भरी हुई सब्जी अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं, ये मूंग थे साबुत मैंने भिगोए थे और इनको मैंने उगा लिया है। फ्रेंड्स बच्चे मूंग की सब्जी नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, तो फ्रेंड्स आज हम इसकी एक सब्जी बनाने जा रहे हैं नियुक्त तरीके से। इस तरीके से आप बनाओगे तो बच्चे उंगली चाटते रह जाएंगे फ्रेंड्स, और एक रोटी की जगह बच्चे भी चार रोटी खाएंगे। और ये लिए हैं मैंने दो बड़े आलू और एक छोटा आलू, ये डालकर फ्रेंड्स हम सब्जी बनाएंगे। चलो मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने एक कड़छी तेल डाला है और ये है ये हींग पाउडर डाल रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तेल गरम हो गया है, देखो काला पड़ गया है। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया था और चार कली लहसुन की ली थी। ऑप्शनल है, लहसुन आप नहीं खाते हो तो इसका स्किप भी कर सकते हो, प्याज लहसुन हम खाते हैं तो मैं इसमें डाल, ये मैंने अदरक के इसमें पीसेस डाल दिए हैं और ये लहसुन की भी पीसेस डाल दिए। छोटी सी प्याज ली थी, ये प्याज डाल रही हूँ मैं, बारीक कटिंग की थी मैंने इसकी। फ्रेंड्स एक बार ये सब्जी बनाओगे तो बच्चे दाल खाने के लिए तो आपको बार बार इस कटिंग की मम्मा ये सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है और सीधे सरल तरीके से बनेगी। फ्रेंड्स जैसा हम सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनेगी, एकदम ईजी तरीका है, बस हमें एक फॉर्मूला चेंज करना है। बच्चों को दाल की जगह हम ऐसी रेसिपी सब्जी बना के दे सकते हैं, बच्चे पराठे के साथ लंच में ले जाएंगे, पूरी के साथ ऑफिस में लेके जाएंगे, हमारे हस्बैंड भी और सब जो भी वर्कर हैं सब लेके जाएंगे, तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स मैंने दो टमाटर लिए थे बड़े साइज के, इनको कटिंग किया था मैंने, ये टमाटर डाल दिए हैं मैंने। एक स्पून नमक लिया है, स्वाद के अनुसार डालना आप अपना, जितना आपको स्वाद लगे, जितना कम ज्यादा खाते हो। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा और लिया है मैंने नमक, सबसे पहले टमाटर डालते ही इसलिए डालते हैं ताकि ये जो टमाटर हम डालते हैं ये अच्छे से गल जाए और मेस होकर के मसाले में एकदम अच्छा सा टेस्ट। थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है, देखो एक चुटकी के समान ही है स्पून। मैंने एक लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक ही टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, टीस्पून में धनिया पाउडर ले रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल करके इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रेवी बन जाए। देखो फ्रेंड्स हमारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, अब हम इसके ढक्कन लगा रहे हैं, हल्का सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है फ्रेंड्स मैंने, बिल्कुल देखो मैं मिक्स कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। ढक्कन हटा दिया है मैंने, देखो फ्रेंड्स मसाले में देख सकते हो आप अच्छे से जाली आ गई है हमारे मसाले में, टमाटर भी गल गए हैं, देखो ऊपर से तेल की तरी आ गई है, तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये मैंने आलू आपको दिखाए थे जो मैंने काटे हैं, ज्यादा बड़े साइज के आलू नहीं काटे मैंने, आज छोटे साइज के आलू काटे हैं क्योंकि हमारी मूंग की दाल जो उगी हुई है उसका भी तो हमें दिखाई देना चाहिए ना सब्जी के अंदर, इसलिए आलू बड़े साइज के ना काटिए। फ्रेंड्स अब हम आलू इसमें डाल रहे हैं, अब हम ढक्कन लगा देंगे आलू डाल करके, और अभी हम उगी हुई मूंग इसमें नहीं डालेंगे, अभी हम एक बार ढक करके आलू को पहले पकाएंगे। ढक्कन के ऊपर पानी डाल देंगे एक गिलास, इसमें पानी नहीं डाला है मैंने, ढक्कन के ऊपर पानी डाल रही हूँ, ये ढक्कन के ऊपर पानी डाल रही हूँ मैं, इससे क्या होगा
कि सब्जी हमारी अंदर से पानी टपकता रहेगा और हमारी सब्जी ना तो जलेगी नीचे से और बहुत ही अच्छी। पानी देखो ऊपर का भाप दे रहा है, अब हम इसे पानी को हटा लेंगे। ये पानी देखो ये गर्म हो गया है बहुत अच्छे से पानी, इस पानी को हम फेंक देंगे, आटा लगाने में भी काम ले सकते। अच्छे से ग्रेवी वाली हो गई है, ज्यादा ग्रेवी नहीं है, ऊपर से दिख रही है ग्रेवी। अब ये आलू थोड़े थोड़े कच्चे हैं, अभी पूरे पके नहीं है, अभी थोड़ा सा इनमें कच्चापन है, तब मैं इसके अंदर अब ये हमारी अंकुरित जो मूंग किए थे मैंने दाल हमारी, ये स्प्राउट्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। आप एक रोटी के साथ खाने वाले, दो रोटी, तीन रोटी, बहुत ज्यादा खाना खाओगे, जिस दिन आप ये सब्जी बनाओगे उस दिन आपको बहुत ही ज्यादा खाना खाने का मन करेगा कि हम बहुत सारा खाना खाएं। फ्रेंड्स ये सब्जी एक बार जरूर ट्राई करना, दाल खा करके बोर हो गए हो तो आप फ्रेंड्स ये एक बार जरूर बनाना, ये हेल्दी भी है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। अब हम इसमें एक बार ढक्कन लगा देंगे फ्रेंड्स, वही तरीके से ये ढक्कन लगा दिया है मैंने, और इसी तरह पहले की तरीके से ही हम इस ढक्कन के अंदर पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पहले की तरह ही मैंने पानी डाल दिया है ढक्कन में, थोड़ा सा अंदर मैंने पानी नहीं डाला है इसमें बिल्कुल भी, और हम मीडियम फ्लेम पर इसको पका रहे हैं। हरी मिर्च काट लेंगे, अब हम इसे चेक कर रहे हैं, अब ये हरी मूंग डालने के बाद में उबली हुई इसको मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी फ्रेंड्स, अगर हम इसे ज्यादा पकाएंगे तो फिर इसमें से जो कच्चापन है उसमें थोड़ा सा प्रोटीन अच्छी होती है बच्चों के लिए, हेल्थ इसमें हेल्थी होता है, और ये इसलिए मैं है ना थोड़ा सा इसे कम पकाऊंगी और ये अच्छा रहता है। आप फ्रेंड्स अपने हिसाब से देख लेना, आपके जैसे बच्चे खाते हैं घर में फैमिली खाती है उस हिसाब से देख करके करना, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहेगा तो ये हेल्थी रहेगी। अब मैं इसमें इसको बंद कर दूंगी गैस को, और ये देखो मैं हरी मिर्च ली है मैंने एक, ये स्पाइसी नहीं है मिर्च, मैं तीखी मिर्च कम डालती हूँ, बाद में बच्चे नहीं खाते निकाल देते हैं, ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और ये मैंने हरे धनिये की पत्तियां डाल दी है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी सब्जी की रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।